Yes. Just try to read the question. Yes. ये ऐसे questions है जो last years मतलब इसके पहले कुछ साल के अंदर जो अलग अलग questions जो होते हैं जैसा कि NEET, JEE और MSCET, तो ऐसे अलग अलग questions जो है अलग अलग exams के अंदर वो पूछे हुए questions है. ओके तो वो हम अभी सॉल्व करेंगे. सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस फर्स्ट वन. रीड इट वंस. सी अ प्रेशर ऑन अ सर्कुलर प्लेट इज मेजर्ड ऑन द सर्कुलर प्लेट इज बाय मेजरिंग द फोर्स ऑन द प्लेट एंड द रेडियस ऑफ द प्लेट. इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द फोर्स एंड रेडियस आर 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली देन द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर इज. Yes. मतलब देखो यहाँ पे कि एक सर्कुलर प्लेट है सपोज, और उसके ऊपर जो फोर्स काम कर रहा है तो वो फोर्स और उसका रेडियस ये दोनों के अंदर का जो परसेंटेज एरर है तो वो देखे रखा है. ये देखो सपोज ये एक सर्कुलर प्लेट यहाँ पे है और उसके ऊपर अगर कुछ फोर्स काम करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो दिस फोर्स विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एफ एंड सपोज दैट द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर प्लेट इज गोइंग टू बी आर. Then how will you get the pressure here? तो pressure का formula क्या है हमारे पास? तो हम जानते हैं pressure is expressed as force upon area, correct है? But as we know that area of a circular plate is always given by pi r square, right? And hence we can say that this pressure will actually be equal to force and that is to be divided by pi r square, correct है? Yes. तो ये हमको मिल गया. अभी इसमें देखो प्रेशर के अंदर का एरर परसेंटेज एरर हमको निकालना है, ठीक है? जबकि यहाँ पे परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फोर्स इज गिवन टू बी 5% एंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस इज गिवन टू बी 3% हियर. सो व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, तो देखो पी इज इक्वल टू एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर है, नो डाउट. अब यहाँ पे हमने कल ही रूल्स देखे थे एरर्स के बारे में. तो एरर्स के बारे में क्या होता है ना कि अगर x अपॉन y होता है, x अपॉन y, इफ z इज इक्वल टू x अपॉन y, देन वी कैन से दैट यस वेरी गुड. ओके तो x अपॉन y अगर होता है तो डेल्टा z, यस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y, ऐसा हमको मिलता है. मतलब इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि परसेंटेज एरर इन जेड इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन एक्स प्लस परसेंटेज एरर इन वाई एंड एट द सेम टाइम इफ जेड इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन देन वी नो दैट द परसेंटेज एरर इन जेड इज एक्चुअली एन टाइम्स ऑफ द परसेंटेज एरर इन एक्स, राइट? तो अब यहाँ पे जबकि पी इज इक्वल टू एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर है तो इसको हम परसेंटेज एरर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं बताओ. तो देखो पी इज गोइंग टू बी इक्वल टू एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर. So percentage error in P will actually be equal to the percentage error in F plus अभी pi में तो कुछ error नहीं आ रहा है तो इसलिए फिर उसको skip करेंगे. बाकी two times of percentage error in radius R को हमको डालना पड़ेगा यहाँ पे. तो finally percentage error in P कितना मिल रहा है? Percentage error in force which is 5% here. So just put it here 5 and two times of percentage error in radius which is going to be 3% here. So put this 3 here and just find it this out and we get this as a 5 plus 6 that is 11%. That's all. Okay. So ye hamara 11%. Ye iska answer ho gaya. Check correct baat se. Yes. So this is going to be the solution. Okay. Okay. समझे ठीक से? Let us go to the next question.
Okay. Just try to solve this. See here, the force is given by the equation F is equal to x upon linear density. Then the dimensions of x are. It's going to be very simple because x will be actually equal to force into density, correct? And force ke dimensions humko already pata hai, m1 l1 t minus 2. Aur density ke dimensions bhi humko pata hai already. Jo ki density matlab kya hota hai? Mass upon volume hota hai, barabar. Mass upon volume. तो इसलिए फिर मास का डायमेंशन तो m1 है, नो डाउट, बट ये जो है वॉल्यूम का जो डायमेंशन है तो वो बनेगा l3, यहाँ पे l3 होना चाहिए, वो याद रखो। तो उसकी वजह से यहाँ पे l-l1 और ये l3 ऊपर जाके बनेगा l-3, तो l-2 आ जाएगा, करेक्ट है। तो ये देखो ये डायमेंशन बन जाएंगे ये x क्वान्टिटी के, और बाकी t-2 भी तो है वहां पे, तो ये t-2 भी वहां पे होना चाहिए कि नहीं, तो बनेगा m2 l-2 and t-2 ये होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है देखो ठीक से, m2 l-2 t-2, अगेन देयर मे बी मिस्टेक। Just wait. So yes, now read the question. Okay, see here, the diameter of a cylinder is 0.55 centimeter. Okay, its length is 1.35 centimeter. Then its volume is, तो देखो ठीक से, सिलेंडर का डायमीटर दिया हुआ है 0.55 सेंटीमीटर, उसका लेंथ भी दिया हुआ है 1.35 सेंटीमीटर, एंड वॉल्यूम इज टू बी फाउंड आउट।
Do you know what is the formula for volume of a cylinder? It is pi r square into h. Correct है? Pi r square into h. तो उसके लिए हमको radius चाहिए. तो let us try to find out the radius here, which will be the half of diameter. तो उसके लिए हमको इस diameter को आधा करना पड़ेगा. जबकि diameter 0.55 दिया हुआ है, तो उसमें हम उसको हम 2 से divide कर देंगे, तो उससे हमको radius मिल जाएगा. ये देखो radius हमको मिल गया, जो कि 0.275 सेंटीमीटर, okay? No doubt. And length is also given to be 1.35 सेंटीमीटर here. Yes. And then we'll try to find out the volume of this cylinder. तो volume के लिए हमारे पास formula है, pi r square into h है actually वो, but it is going to be l, क्योंकि जबकि l length l दिया हुआ है, इसलिए. तो अभी यहाँ पे अगर हम सब calculations करेंगे, 3.14 into 0.275 का square into 1.35, तो उसके बाद हमको जो calculation करने के बाद ये answer हमको मिलता है, no doubt. But now we have to think about the significant figures, okay? Significant figures के बारे में हमको सोचना है. जबकि यहाँ पे significant figures already दो है. ये देखो diameter के अंदर कितने significant figures हैं? दो. Length के अंदर कितने हैं? भले तीन है, no doubt. लेकिन minimum कितना बनता है? दो ही बनता है. इसलिए we have to keep the two digits significant figures in the answer, and that's why we have to round it up. तो ये round up करने के बाद ये 7 चला जाएगा, 5 चला जाएगा, और ये zero को भी हमको ये zero जो actually है वो 1 बनेगा, और उसको भी राउंड अप करने के बाद सिर्फ ये 0.32 ही बचेगा एज अ फाइनल राउंड अप आंसर. सो इसलिए वी कैन बी श्योर अबाउट दिस 0.32 ओनली एज अ फाइनल आंसर. ओके, तो ये हमको समझना अच्छी तरह से. सो दीज आर द कैलकुलेशंस व्हिच आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. रिमेंबर, तो जबकि मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैज टू बी केप्ट इन द आंसर. ओके, यस, लेट अस ट्राई द नेक्स्ट वन. Okay, the diameter of the wire as measured by the screw gauge was found to be 1.002 centimeter and 1.004 centimeter and 1.006 centimeter. Okay, then the absolute error in the third reading is. Okay, देखो ठीक से. अभी absolute error कैसे निकाला जाता है? तो हमको पता है. सबसे पहले हमको उसका average value निकालना होता है. Okay, average value जो कि mean value भी कहलाता है. तो मीन वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? देखो सबसे पहले ये x1 plus x2 plus x3 that is divided by 3 करना होगा, जिसको करने के बाद हमको मिलता है ये देखो 1.002 plus 1.004 plus 1.006. अभी obviously ये common sense की बात है कि अगर इन तीनों के बीच में अगर दो दो का डिफरेंस है तो उसका एवरेज वैल्यू जो है वो ये बीच वाला वैल्यू आएगा. ठीक है, इफ द वैल्यूज आर इक्विडिस्टेंट देन मीन हैपेंस टू बी द मिडल वैल्यू. ये तुमने कहीं तो भी सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर पढ़ा होगा, तो उसको यूज करके हम यहाँ पे 1.004 को एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज अ मीन वैल्यू. एंड देन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस मीन वैल्यू फ्रॉम द थर्ड ऑब्जर्वेशन हियर, सो दैट वी गेट दिस थर्ड ऑब्जर्वेशन इज टू बी 1.006. उसमें से अगर मीन वैल्यू जो कि 1.004 है वो अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको इसमें बचता है 0.002 एज अ फाइनल वैल्यू. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द मीन एब्सोल्यूट एरर इन केस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन. गेटिंग इट? देखो यहाँ पे हमने देखा कि पूछा क्या था हमको, द एब्सोल्यूट एरर इन द थर्ड रीडिंग दैट इज टू बी फाउंड आउट. तो थर्ड रीडिंग कौन सा है? ये है. इसमें से अगर हम ये मीन अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे हमको एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा, जो कि 0.002 सेंटीमीटर मिल रहा है. ओके, दैट इज द फाइनल आंसर. लेट अस मूव फर्दर. यस, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फिजिकल क्वांटिटी x इज m रेस टू -1, l रेस टू 3 एंड t रेस टू 2. ओके, द एरर्स इन द मेजरिंग द क्वांटिटीज m, l एंड t आर रिस्पेक्टिवली 2%, 3% एंड 4%. Then the maximum percentage error that occurs in the measurement of x is. अब ये आंसर तो तुमको ओरली आना चाहिए. ये देखो, अगर x is equal to m raise to -1, l3 और t raise to 2 अगर है, तो उस केस में क्या होगा? देखो कि errors जो है, errors के अंदर क्या formula आएगा? ये देखो, हमारे पास x का formula क्या था? X is equal to m raise to -1, l raise to 3 और t raise to 2 था. तो यहाँ पे ये -1 जो है, तो
तो वो उसका मल्टीपल बन जाता है, तो इसलिए डेल्टा x अपॉन x, ये देखो x डेल्टा x अपॉन x जो है, तो रिलेटिव एरर इन x विल बी द रिलेटिव एरर इन m, दैट इज डेल्टा m अपॉन m प्लस द रिलेटिव एरर इन l मल्टीप्लाई बाय 3। ये 3 समझा कहां से आया, क्योंकि यहां पे इसका पावर 3 है इसलिए वो सामने आ जाता है। अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप इफ z इज इक्वल टू x रेस टू n देन डेल्टा z अपॉन z इज गोइंग टू बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ डेल्टा x अपॉन x। याद है ना, कल बताया था, तो जब भी x के अंदर कुछ एरर होता है, रिलेटिव एरर होता है, तो वो z के अंदर जो रिलेटिव होता है एरर होता है वो n टाइम्स ज्यादा होता है उसका, n टाइम्स। तो ये n जो पावर है वो यहाँ पे सामने आ जाता है। सेम वैसे यहाँ पे t के अंदर जो भी एरर आएगा तो उसको 2 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके हमको इसके अंदर का एरर मिलेगा। तो अभी इसमें ये जो डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 है, तो उसको हमको रिप्लेस करना होगा। यस, तो ये जो डेल्टा m अपॉन 100 है उसको हमको रिप्लेस करना होगा 2 से, क्योंकि उन्होंने बोल के रखा है कि मास के अंदर 2% एरर है, और ये जो डेल्टा l अपॉन l इंटू 100 है वो 3 होगा, क्योंकि ये लेंथ के अंदर 3% का एरर आ रहा है और टाइम के अंदर जो है वो 4% का एरर बन रहा है, इसलिए यहाँ पे 4 हमको डालना होगा। और ये सब कैलकुलेशंस करेंगे, 2 × 2 + 3 × 3 + 2 × 4 = 19%, विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर इन द ऑप्शन 1। ओके, सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस इजीली। Yes, try to solve this next one. Yes, अभी इसमें किसी को ये डाउट आ रहा है क्या कि जबकि m का पावर नेगेटिव है, ये देखो यहाँ पे हमने देखा है ऑलरेडी कि m का जो पावर है वो माइनस वन है, करेक्ट है, माइनस वन एक्चुअली, तो क्या यहाँ पे माइनस वन आना चाहिए, मतलब डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू m का जो x इज इक्वल टू क्या है कि m रेस टू माइनस वन, l रेस टू 3 और t रेस टू 2n, तो यहाँ पे डेल्टा m अपॉन m को माइनस वन से मल्टीप्लाई करना जरूरी है या प्लस वन से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, क्या समझते हो? प्लस वन से, क्यों? क्योंकि देखो कल ही हमने देखा था कि अगर z इज इक्वल टू x अपॉन y है तो क्या बताया था, डेल्टा z अपॉन z happens to be डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y, याद है? जब डिवीजन होता है तभी भी रिलेटिव एरर्स जो है वो ऐड ही होते हैं, बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर एक्चुअली। ओके, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर कैन नेवर बी लेस देन द इंडिविजुअल एरर। ओके, मींस z के अंदर का जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है तो वो x के अंदर के और y के अंदर के इंडिविजुअल रिलेटिव एरर से कम कभी नहीं हो सकता है, ज्यादा ही होने वाला है। बिकॉज एक बात अच्छी तरह से याद रखो, कैलकुलेशंस नेवर इंक्रीज द एक्यूरेसी, सो कैलकुलेशंस कैन नेवर डिक्रीज द एरर, सो एरर हैज टू इंक्रीज इन द कैलकुलेशंस। तो जब हम डिवीजन करेंगे या मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कुछ भी करो, डिवीजन करो या मल्टीप्लीकेशन करो या एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, एरर इज गोइंग टू इंक्रीज, इट विल नेवर डिक्रीज। तो ये बात अच्छी तरह से याद रखो, ठीक है? तो इसलिए फिर यहाँ पे अगर सपोज ये ऐसा है तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, x raise to 1, तो मतलब z equal to x raise to 1 into y raise to minus 1, ऐसा लिख सकते हैं ना, बट अभी उसकी वजह से यहाँ पे x का जो पावर 1 होने की वजह से यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, लेकिन ये y का पावर माइनस 1 होने से इधर माइनस थोड़ी आया, है कि नहीं? तो इसलिए ये हमको समझना है, डिविजन हो या मल्टीप्लीकेशन हो, relative error is going to get add up together. Yes, so that's why minus sign nahi aayega wahan pe, plus hi aayega hamesha. Yes, now just read this question here. Yes, the heat generated in a circuit depends upon the resistance, current and time for the flow of electric current. If the percentage errors measured in the above physical quantities are 1%, 2% and 1% respectively, then the maximum possible error in the measurement of heat is going to be. So, look here, simple sa question hai, kyunki humko pata hai already ki, are ye kya hai, just forget about this, ye kuch kaam ka nahi hai tumhare liye, theek hai,
बट हियर डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इज गिवन टू बी 1%. ये समझा कैसे? क्योंकि रेजिस्टेंस पहले दिया हुआ है, बराबर. ये रेजिस्टेंस इज द फर्स्ट क्वांटिटी और उसके अंदर का एरर 1% है. चलो ठीक है. और दूसरा कौन है? करंट है. देखो करंट के अंदर का एरर कितना है? 2%. तो ये देखो डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100 इज गोइंग टू बी 2%, राइट. एंड टाइम के अंदर का जो एरर है वो भी 1%, क्योंकि ये तीसरा जो है वो टाइम है और उसके अंदर का जो एरर है वो 1% है, करेक्ट है. चलो ठीक है. अभी इसके बाद हमको क्या करना है, हीट जनरेटेड का फॉर्मूला पता है तुमको? हीट जनरेटेड, हीट इज गिवन टू बी आई स्क्वायर इंटू आर टी. याद है ये फॉर्मूला तुमको जूल्स लॉ करके था 10th स्टैंडर्ड में. तो अगर इसको यूज करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि परसेंटेज एरर इन एच विल एक्चुअली बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन आई प्लस परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस आर एज इट इज प्लस द परसेंटेज एरर इन टाइम ऑल्सो एज इट इज. तो सिंपली हमको क्या करना है, करंट के अंदर का जो परसेंटेज एरर है जो कि 2% है इधर, तो वो डबल करना है, प्लस रेजिस्टेंस का जो परसेंटेज एरर है वो एज इट इज रखना है, प्लस टाइम के अंदर का परसेंटेज एरर भी एज इट इज रखना है, जिससे हमको ये 4+1+1 मतलब 6% ये आंसर मिल जाता है. बिल्कुल. तो 6% विल बी द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ हीट. ओके देखो ठीक से, रेजिस्टर्स ये फॉर्मूला पहले हमको मिल गया, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, करेक्ट है. और उसके बाद वही किया हमने, ये डेल्टा आर अपॉन आर, डेल्टा आई अपॉन आई, और डेल्टा एल, एल नहीं है वो टी है एक्चुअली, फॉरगेट अबाउट दैट. ओके जस्ट टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी हियर द परसेंटेज एरर इन द ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली 1%, 3% एंड 2% रिस्पेक्टिवली, देन परसेंटेज एरर इन एक्स कैन बी. तो देखो मैक्सिमम पॉसिबल एरर एक्स के अंदर कितना होगा, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला बनेगा. देखो एक्स के अंदर का परसेंटेज एरर इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ए का जो पावर है वो 1 है कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पे सामने 1 आएगा, मतलब कुछ भी नहीं आएगा. फिर वापस यहाँ पे बी का जो पावर है वो क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, करेक्ट है. तो इसलिए यहाँ पे बी डेल्टा बी अपॉन बी मतलब परसेंटेज एरर इन बी को 2 से मल्टीप्लाई होगा. ओके और सी का जो पावर है कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 को 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो होता हुआ दिख रहा है. और उसके बाद फिर हम ये अगर वैल्यूज उसके डाल देंगे तो हमको मिलेगा सिंपली, देखो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऑफ 2. समझे लिख से या करके दिखाओ इधर ही. ये देखो हमारे पास x का वैल्यू क्या दिख रहा है, a इंटू बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, राइट. सो परसेंटेज एरर इन x इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन b प्लस 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन c, राइट. सो दैट वी गेट दिस परसेंटेज एरर इन a इज गिवन टू बी 1, राइट, प्लस 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन b इज गोइंग टू बी 3 हियर, and last is 3 times of percentage error in C, which is going to be 2 here. So if we just multiply this, so 6+6+1, which comes out to be 13%. That's it. ये देखो 13% यहाँ पे आंसर आने वाला है. So this is going to be the final answer. Correct है? Yes. Let us move to the next. The density of a cube can be measured by measuring its mass and length of its side. Okay. तो डेंसिटी मेजर करने के लिए हमको मास चाहिए और उसका साइड चाहिए. यस क्यूब है ना, वो इसलिए. इफ मैक्सिमम एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ आर 3% एंड 2% रिस्पेक्टिवली, देन द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी इज. तो देखो डेंसिटी डी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन लेंथ क्यूब होता है, राइट. तो अब यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा फिर परसेंटेज एरर के लिए, तो परसेंटेज एरर इन डी इज गोइंग टू बी परसेंटेज एरर इन मास एम प्लस 3 टाइम्स ऑफ द परसेंटेज एरर इन लेंथ, करेक्ट है. जबकि परसेंटेज एरर इन मास इज गिवन टू बी 3%, राइट, एंड लेंथ इज 2%. सो इफ वी रिप्लेस इट हियर देन वी गेट दिस 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2 एंड हेंस वी गेट दिस एज 3+6 व्हिच इज गोइंग टू बी 9. सो 9% इज गोइंग टू बी परसेंटेज एरर इन डेंसिटी व्हिच इज गोइंग टू बी देयर इन ऑप्शन नंबर 1, राइट है. यस let us to the next one. The error in the measurement of length of simple pendulum is 0.1% and error in the measurement of time period is 3%. What is the maximum percentage error in the measurement of this L upon T square? चलो ठीक है. अभी suppose L upon T square ये जो quantity है,
तो उसको हम चाहिए तो मान लो जी मान लेते हैं, ठीक है जी। तो अभी इसमें परसेंटेज एरर इन जी विल बी इक्वल टू व्हाट? परसेंटेज एरर इन एल प्लस टू टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन टी, करेक्ट है? सो दैट वी गेट दिस परसेंटेज एरर इन एल टू बी रिप्लेस्ड बाय दिस 0.1 हियर। सो जस्ट रिप्लेस इट बाय 0.1 एंड टू टाइम्स ऑफ व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द टाइम पीरियड हियर, इट इज 3% हियर, राइट? So just replace it by that 3 here, and then we can just solve this up to 0.1 plus 6, which happens to be 6.1, and which is there here in option number 1. Okay, in this way. Chalo, take your next one. The resistance of a metal is given by V is equal to IR. Okay, the voltage is given as 8 plus 0 plus or minus 0.5. And the current in the resistance is I is equal to 2 plus 0.2 ampere. Then the value of resistance with its percentage error is. तो देखो percentage error हमको निकालना है। सबसे पहले देखो क्या करना है हमको कि resistance का value हमको निकालनी होगी। कितना है resistance का value? देखो R is going to be equal to V upon I, right? V कितना है? ये देखो 8 है और current कितना है? 2 है। तो 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। 4 ओम इज द रेजिस्टेंस, नो डाउट। तो वो तो सारे ऑप्शंस में है, वो तो हमको दिख रहा है, चलो ठीक है। बट अभी एरर्स कैसे निकालेंगे? एरर के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? देखो परसेंटेज एरर इन आर विल बी एक्चुअली इक्वल टू परसेंटेज एरर इन वी प्लस द परसेंटेज एरर इन आई, करेक्ट है? सो दैट परसेंटेज एरर इन आर विल एक्चुअली बी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन वी, कैसे निकालते हैं? तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, करेक्ट है? प्लस परसेंटेज एरर इन आई कैसे निकाला जाता है? तो डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100 अगेन, सो दैट वी कैन गेट दिस एज अ परसेंटेज एरर इन आर टू बी सिंपली सी डेल्टा वी कितना है? ये देखो डेल्टा वी मतलब ये 0.5 दिख रहा है ना, वो डेल्टा वी है। तो 0.5 अपॉन 8 एंड दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 100, करेक्ट है? प्लस परसेंटेज एरर इन आई कैसे निकालेंगे? तो डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100, डेल्टा आई मतलब ये 0.2, तो ये 0.2 अपॉन 2 इंटू 100, ओके? सो इफ यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस फर्दर देन वी गेट दिस एज 50 अपॉन 8, करेक्ट? प्लस हियर इट इज गोइंग टू बी 20 अपॉन 2 व्हिच हैपेंस टू बी एक्चुअली, अब देखो 50 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 6.25, करेक्ट है? प्लस हियर इट इज 10 and hence we get this as finally16.25, correct hai? So this happens to be 16.25%, correct hai? So this is going to be the percentage error in resistance R, and that is final, and this is going to be there in this option 1 here, okay? So dekho percentage error in resistance is going to be 16.25%. Yes. Is it okay? Yes, it is 16.25, okay? So let us stop here. We have seen some MCQs based on the theory of errors and algebra of errors in this lecture. We will see some more MCQs of the same type in the next lecture. Or next lecture mein jo MCQs rahenge wo thoda sa aur jyada interesting rahenge, thoda critical rahenge. Okay. So let us stop here.